नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के किसानों को सिंगल विंडो से फसल क्षति पर मिलेगा अनुदान। बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बढ़ी वार्षिक फीस। स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो गया है खराब, ऐसे करे घर बैठे बैठे सोशल शिकायत। बिहार के 13 जिलों के छोटे बालू घाटों की दोबारा लगेगी बोली, आज खत्म हो जाएगी मैट्रिक की परीक्षा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 13 जिलों के छोटे बालू घाटों की दोबारा लगेगी बोली। बिहार में बालू खनन एक बड़ी समस्या रही है। सरकार के बार बार मना करने के बावजूद भी अवैध बालू खनन की खबर सामने आती रही है। यही कारण है कि सरकार ही अपनी तरफ से समय समय पर बालू खनन को लेकर अपनी योजनाओं की जानकारी भी देती रहती है, जिससे कम से कम बालू में अवैध खनन को रोका जा सके। इसी बीच अब बिहार में एक बार फिर से कई जिलों में छोटे बालू घाटों की दोबारा बोली लगाई जानी है। ये घाट भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई, लखीसराय, सारण, अरवल, वैशाली, बेतिया, बांका और किशनगंज जिलों में है। इन छोटे छोटे बालू घाटों की संख्या कुल मिलाकर 50 से अधिक बताई गई है। इनकी सफल बोली से प्रदेश के बाजार में बालू की मात्रा पर्याप्त हो जाएगी। इससे कीमत के भी नीचे आने की उम्मीद है, जो कि 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक होगी। हालांकि इससे पहले भी बिहार राज्य खनिज विकास निगम की तरफ से इनकी बोली लगाई गई थी। स्थानीय थाना करेंगे पर्यटन स्थलों की निगरानी। आने वाले दिनों में बिहार का हर एक पर्यटन स्थल निगरानी में होने वाला है, जिससे पर्यटन स्थलों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही पर्यटक भी बेफिक्र होकर घूमने आ सकेंगे, क्योंकि अब बिहार के सभी पर्यटन स्थलों की निगरानी की जिम्मेदारी स्थानीय थानों की होगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार थानों को पर्यटन स्थलों से जोड़ने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने एक विशेष ऐप से पर्यटन स्थलों की निगरानी करने का निर्णय लिया है। विभाग की कोशिश है कि पर्यटन स्थलों पर अगर पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, अगले महीने से कभी भी थानों से ऐप को जोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, सभी पर्यटन स्थलों पर जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम भी होने वाला है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो गया है खराब, ऐसे करे घर बैठे बैठे सोशल शिकायत। बिहार में बिजली चोरी की समस्या को कम करने के इरादे से बिहार सरकार बिहार के लगभग सभी जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम कर रही है, जिसके तहत राजधानी पटना समेत कई शहरों में ये काम भी हो चुका है। हालांकि इन सबके बीच लगातार स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर शिकायतें सामने आ रही है, लेकिन अब तक ये शिकायतें उपभोक्ताओं तक ही रहती थी, लेकिन अब उपभोक्ताओं के पास शिकायत दर्ज करवाने का मौका भी होने वाला है। जी हां, आपने सही सुना, राज्य में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अगर कोई खराबी आ जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता बिजली मीटर बिहार बिजली ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक और ट्विटर @BiharEnergy पर भी उपभोक्ता अपनी शिकायत लिखकर बिजली कंपनी को टैग कर सकते हैं। बिहार के किसानों को सिंगल विंडो से फसल क्षति पर मिलेगा अनुदान। बिहार के सभी गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। जल्द ही बिहार सरकार की तरफ से सभी गन्ना किसानों को सिंगल विंडो से फसल क्षति पर अनुदान देने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत ही बीते दिन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार गन्ना की खेती के जरिए किसानों की आय में वृद्धि और विभिन्न उत्पादों को तैयार करने की दिशा में तकनीक आधारित योजनाओं के विकास के मास्टर प्लान पर काम कर रही है। बाढ़ से गन्ना की खेती में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए किसानों को परेशान नहीं होना होगा। सिंगल विंडो से फसल क्षति का अनुमानित अनुदान प्रदान किया जाएगा। गन्ना के छोहा से पशुओं के लिए बड़े स्तर पर चारा तैयार कराने की योजना है। कृषि यंत्रीकरण के जरिए बाई प्रोडक्ट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार में दवाओं की कालाबाजारी पर लगेगी रोक। बिहार में दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है, जिससे एक ही दवा अब अलग अलग कीमतों पर लोगों को मुहैया नहीं करवाई जाएगी। इसको लेकर जल्द ही इकाई का गठन भी होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग राज्य में दवाओं की कालाबाजारी और दवाओं की मनमानी कीमतों पर रोक लगाने की कवायद में जुट गया है। वहीं गठित होने वाली इकाई की बात करें तो ये इकाई औषधि नियंत्रण निदेशालय के लिए काम करेगी, जिसके नाम बिहार राज्य मूल्य अनुश्रवण और साधन इकाई होगा। सबसे खास बात यह है कि इकाई गठन के बाद बिहार 13वां राज्य हो जाएगा जहां औषधि मूल्य अनुश्रवण और संसाधन के लिए स्वतंत्र इकाई होगी। इस इकाई का सबसे अहम काम दवाओं के मूल्य नियंत्रण के साथ ही जीवन रक्षक दवाओं की मनमानी कीमत और कालाबाजारी की मॉनिटरिंग करना होगा। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने इंजीनियर, साइट पर्यवेक्षक, भू विज्ञानी के कुल मिलाकर 226 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, SNT, जियोलॉजी तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में MSc, MTech, डिप्लोमा में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 से 13 मार्च 2022 तक इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.ircon.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बढ़ी वार्षिक फीस। बिहार से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए अहम जानकारी।
आने वाले दिनों में बिहार के प्राइवेट कॉलेज की वार्षिक फीस बढ़ा दी गई है। प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने वार्षिक फीस में 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी की है, जिसके परिणाम स्वरूप ही अब नए शैक्षणिक सत्र में जो नीट यूजी 2021 के माध्यम से छात्र दाखिल लेंगे उन्हें बढ़ा हुआ फीस देना होगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 2020 में जहां MBBS के लिए सालाना 12.38 लाख रुपए फीस थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 14.55 लाख रुपए सालाना हो गई है। बिहार आएंगी IT कंपनियां, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन हाल ही में जो ऐलान हुआ है उसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि शायद आने वाले दिनों में बिहार से बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिहार के श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने हाल ही में अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए एक विशेष यूनिट बनाई जाएगी। इस यूनिट में दक्ष लोगों को तैनात किया जाएगा जो निवेशकों को आकर्षित करेंगे। यानी कि एक बात तो तय है कि बिहार के युवाओं को अब IT के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। कुछ समय पहले ही बिहार में हुए विकासात्मक कार्यों के बारे में दुबई के उद्यमियों को जानकारी दी गई थी। उसी दौरान कुछ IT निवेशकों ने बिहार में निवेश करने की इच्छा भी जताई थी, जिसके बाद ही अब बिहार आने के बाद मंत्री ने निवेशकों की तरफ से मिले प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है। गंगा किनारे बसे ग्राम पंचायतों में स्वच्छता को लेकर होगी विशेष पहल। बिहार में जल्द ही गंगा किनारे बसे पंचायतों में स्वच्छता को लेकर खास पहल होने की शुरुआत होने वाली है, जो कि राज्य के 12 जिलों के 61 प्रखंडों की गंगा के किनारे बसी 271 ग्राम पंचायतों में शुरू की जाएगी। इसके लिए ITC लिमिटेड और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण विकास विभाग के बीच करार हुआ है, जिसके बाद ही अब ये योजना है कि इन पंचायतों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से वर्ष 2025 तक काम पूरा कर लिया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गंगा में नहीं फैलाने और लोगों के व्यवहार परिवर्तन में स्थायित्व के लिए लगातार जन जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है। अब गंगा किनारे की सभी पंचायतों को ODF+ बनाने की मुहिम शुरू होगी। आज खत्म हो जाएगी मैट्रिक की परीक्षा। इंटर की परीक्षा के सफलतापूर्वक समापन होने के बाद आज मैट्रिक की परीक्षा खत्म होने वाली है। हालांकि इंटर की ही तरह मैट्रिक की परीक्षा का भी सफल संचालन करने में बिहार बोर्ड काफी हद तक कामयाब नजर आई। वहीं आज होने वाली परीक्षा की बात करें तो बुधवार को द्वितीय भारतीय भाषा विषय की परीक्षा देखने को मिली, जो कि दोनों पालियों में आयोजित हुई। द्वितीय भारतीय परीक्षा के तहत हिंदी भाषियों के लिए संस्कृत, अरबी, फारसी और भोजपुरी में से किसी एक भाषा की परीक्षा होगी। वहीं हिंदी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। अंतिम दिन यानी गुरुवार को ऐच्छिक विषय की परीक्षा होनी है। अब बिहार में हेलीकॉप्टर से ढूंढे जाएंगे शराबी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसकी सच्चाई से आप भी बखूबी वाकिफ होंगे। यही कारण भी रहा है कि बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए अपने नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है। पहले ड्रोन और अब तो बिहार सरकार ने 4-सीटर हेलीकॉप्टर को भी इसमें लगा दिया है। अब उड़न खटोले से भी शराब की तलाशी होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार के निर्देश के बाद बंद निषेध विभाग ने 4-सीटर हेलीकॉप्टर मंगाया है। मंगलवार से हेलीकॉप्टर से शराब खोजने का काम भी शुरू हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में बैठकर मध्य निषेध विभाग के अधिकारी अब पूरे बिहार में अवैध शराब और उसे बनाने वाले लोगों की तलाश करेंगे, फिर उस पर कार्रवाई होगी। झारखंड में इस दिन से शुरू होगा सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान के बहाने झारखंड में लालू यादव को जेल और दूसरे को बेल के मुद्दे पर राजद के कार्यकर्ता जन गोलबंदी की रणनीति बना रहे हैं। इसी को लेकर लालू यादव और लालू यादव की पार्टी राजद एक बार फिर से चर्चा में है, जहां एक तरफ लालू यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में 5 साल की सजा हुई है और दूसरी तरफ उनकी पार्टी लालटेन की लॉ को गांव गांव घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के रणनीति तैयार कर मैदान में उतरने वाली है। राजद की तरफ से जारी की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार सदस्यता अभियान का लक्ष्य 25 लाख रखते हुए इसकी शुरुआत संथाल परगाना से 6 मार्च को होने जा रही है। राजद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि उनके वोट के दम पर चुनाव जीतने वाले मौका आने पर उन्हें ही भूल जाते हैं, इसलिए राजनीति के मैदान में राजद की ताकत आने वाले दिनों में लोग खुद महसूस करेंगे। यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्रों को इस दिन किया जाएगा एयरलिफ्ट। यूक्रेन में मेडिकल छात्रों के फंसे होने की जानकारी निकल करके लगातार सामने आती रही है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद को लेकर वहां फंसे बिहारी छात्र दहशत में हैं। इनमें उत्तर बिहार के एक दर्जन से अधिक छात्र हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से छात्रों की वापसी के लिए विशेष चार्टर्ड उड़ानों का इंतजाम किया गया है। दूतावास के निर्देश के बाद सभी छात्र स्वदेश लौटने के लिए राजी हो गए हैं। इन लोगों ने टिकट भी ले लिया है, जिसके बाद ही अब 26 फरवरी से यूक्रेन की राजधानी कीव से सभी छात्र एयरलिफ्ट होंगे। छात्रों ने है कि ज़ेपोरोजिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। वहां रह रहे दूसरे देश के नागरिक लगातार यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। बिहार के अलावा यूपी, बंगाल आदि राज्यों के भी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। एक बार फिर गांव में दिखी रतन सिंह राजपूत। बिहार से निकली रतन आजकल टीवी से दूर है, लेकिन गांव की जिंदगी का मजा ले रही है। वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी जिंदगी से जुड़े अपडेट्स को लगातार शेयर करती रहती है। यहां वो तरह तरह की रेसिपीज बनाती है, वो भी चूल्हे पर। रतन राजपूत के वीडियोस उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इसी दौरान रतन यूट्यूब पर महाराष्ट्र के रूरल इलाके के वीडियोस को
डालती हुई देखी गई है। यहाँ प्रकृति की गोद में खूबसूरत जिंदगी का मजा ले रही है। रतन अपने कभी दातून करती है तो कभी चूल्हे पर खाना बनाती देखी गई है। उनका यह वीडियो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, जिसमें उन्होंने तीखा पनीर भी बनाया है, जो उनके फैंस काफी ज्यादा लाइक और काफी ज्यादा उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनेंगे अजीत अगरकर। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर असिस्टेंट कोच के रूप में दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ने जा रहे हैं। क्रिक इन्फो को पता चला है कि अगरकर प्रमुख कोच रिकी पोंटी के नेतृत्व वाले कोचिंग स्टाफ में कई भूमिकाएं निभाएंगे। वो कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत, कोच पोंटिंग, बल्लेबाजी कोच प्रवीण आमरे और गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स के साथ नेतृत्व ग्रुप का हिस्सा भी होंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने 2021 सीजन तक सहायक कोच की भूमिका निभाने वाले मोहम्मद कैफ और अजय रात्रा को नए करार नहीं सौंपे हैं। समझा जा रहा है कि अगरकर, जो इस समय स्टार स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग टीम का हिस्सा है, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली घरेलू सीरीज के समापन के बाद कैपिटल के समूह में शामिल होंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गैंगस्टर यादव, रंजीत मिश्रा, विकास प्रसाद, कविता कुमारी, परवेज आलम, जितेंद्र ठाकुर, अभय कुमार सिंह, संजय गुप्ता, मनीष कुमार, गुलजार हसन, राहुल कुमार, अविनाश राज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सवाल की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड होना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल GOV PVT को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार से निकली किस अभिनेत्री ने बिहार का मान सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।